सक्सेना, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, दिस इज डे 5 एंड हम लोग आज कवर करने वाले हैं चापोरा फोर्ट, जहाँ पे दिल चाहता है कि शूटिंग भी हुई थी, तो काफ़ी फेमस है, उसको भी देखे आएंगे। और साथ ही हम एरमोल बीच जाने वाले हैं और वहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि एरमोल बीच कैसा है और वहाँ जाने लायक है या नहीं है, और ये जो फोर्ट है, फोर्ट कैसा है, वो भी आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। हमारा आज 5th डे है, कल हमारा लास्ट डे होगा। तो सिक्स डे पे हमारी फ़्लाइट्स हैं शाम को 7:30 बजे की, तो हम दिन में 4 बजे तक यहीं रहेंगे। और कल का भी जो होगा, मैं आपको सारी डिटेल आपको बता दूंगा हम कल क्या कवर करने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा फोर्ट में। सो हाँ जी गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं चापोरा फोर्ट, जो कि थोड़ा सा हाइट पे है, हिल्स पे है ऊपर, और यहाँ पीछे मार्केट है और यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है और यहाँ से ऊपर चढ़ के हमें जाना है। तो यहाँ से एंट्री है, सामने पार्किंग है, सामने गाड़ियाँ लगती हैं और यहाँ पूरी मार्केट है, आइसक्रीम। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं आपको फोर्ट के अंदर ही। सो गाइस, अगर आप चापोरा फोर्ट आ रहे हैं तो पानी की बॉटल्स अपने साथ डाल के लेके आएँ, क्योंकि हाइट पे है फोर्ट। तो ये देख सकते हैं यहाँ से व्यू है, और ऊपर चढ़ते रहेंगे तो थोड़ी सांस फूलती है, तो पानी होने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ सारी मार्केट्स हैं, तो अभी और ऊपर हमें जाना है। तो गाइस, अभी आगे स्टेयर्स भी हैं, स्टेयर्स भी चढ़नी है। हाँ जी गाइस, यहाँ से स्टेयर से ऊपर चढ़ेंगे और कई सारी स्टेयर लग रही है, मेरे को लग रहा है ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। तो आइए, थोड़ा डिसएडवांटेज इस फोर्ट का ये है कि यहाँ गर्मी है, अगर गर्मी नहीं होती तो बहुत बढ़िया। सो गाइस, ऊपर चढ़ते चढ़ते अब सामने दिख चुका है हमारे को समंदर। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, और ये पूरा यहाँ से आपको दिखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट हम इसके बाद एरमोल बीच जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ, हम ऊपर चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर और एंटर करेंगे फोर्ट के अंदर। और यहाँ ऐसा कोई टिकट्स वगैरह दिख नहीं रही। सो गाइस, ये वो वाला फोर्ट है जहाँ पे दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी। ये एंट्री है और जूस वूस पीने के लिए यहाँ सब लगे हुए हैं स्टॉल्स। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँ, चापोरा फोर्ट में ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी यहाँ आप साइट सीन कर सकते हैं, जैसे सामने पूरा सी है, यहाँ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ हम खींचेंगे अच्छी अच्छी कुछ फ़ोटोज़, और इस तरीके से पूरा फोर्ट है और पूरा खंडर ही है एक तरीके से।
पर यहाँ से जो व्यू आने वाला है वो बहुत गजब का आने वाला है। तो और थोड़ा सा आगे चल के कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं हम, तो बने रहिए आप वीडियो के साथ। और सामने जो ये है ये वेगेटर बीच, इस सामने बीच है और यहाँ पे सामने भी एक्टिविटीज वगैरह सब हो रही है। हमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो गाइस यहाँ से पूरे बीच के नज़ारे दिख रहे हैं, वेगेटर बीच है सामने, ये देख सकते हैं हम कितना प्यारा सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और ये सामने पूरा सी। सो गाइस यहाँ पे मेन तो ये है कि अब अपना साइट सीइंग के लिए आ सकते हैं, जैसे सनसेट देखना हो या अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ आ सकते हैं सनराइज़ पे। तो बेसिकली ये सनराइज़ देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है और सनसेट देखने के लिए, पर हमें फुटेज कवर करनी थी ताकि आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये था पूरा चापोरा फोर्ट, और इसी के और आगे चलते जाएंगे तो आगे अंजुना बीच, ये सारे बीच एक सारे ही लाइन से हैं। सो हाँ जी गाइस, फोर्ट हमने पूरा देख लिया है और मैंने आपको सारा दिखा दिया है। और वीडियो कैसी लग रही है लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और गाइस ये था पूरा फोर्ट, और बहुत ज़्यादा गर्मी है और पीछे ये पूरा सी है, यहाँ आना चाहे तो आप आ सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, अब हम निकल रहे हैं अरम्बोल बीच के लिए, मैं मिलता हूँ आपको कहीं और। तो हाँ जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं अरम्बोल बीच और ये सामने पार्किंग। और एज़ यूजुअल पहले आपको हर जगह मार्केट मिलेगी, मार्केट के बाद आपको अंदर बीच। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, पीछे ऊपर देख सकते हैं बादल बहुत अच्छे हो गए हैं और आज हम सनसेट भी देखेंगे यहाँ पे। और हम चलते हैं अब अंदर की तरफ। सो गाइस यहाँ पे मार्केट है और पूरा एज यूजुअल जैसे हर गोवा में हर जगह ही होती है मार्केट, पहले मार्केट फिर अंदर बीच के लिए। कुछ लेना हो तो शॉर्ट्स तो यहाँ पे सब मिल जाता है। और यहाँ चल रहे हैं गोलगप्पे, तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं आइसक्रीम। तो भाई यहाँ से सीधा जाएंगे तो सामने ही एंट्री है, और एंट्री आगे से करेंगे और अंदर जाएंगे सीधा बीच साइड। नहीं आंटी वापसी मिले, सो गाइस एंट्री हमने कर ली है। और यहाँ पे ये है अरम्बोल बीच रेस्टोरेंट्स, अमेजिंग।
सो गाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बताऊँ, मैं और सारे बीचेस में हम घूम के आए हैं, बट यहाँ थोड़ा शांति ज़्यादा है और क्राउड कम है। तो ये पूरा एंट्री हम कर चुके हैं, सामने से एंट्री है, ये पूरे रेस्टोरेंट्स और यहाँ पे शांति ज़्यादा है और फॉरेनर क्राउड अगर आपको यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलेगा, यहाँ फॉरेनर्स भी ज़्यादा आते हैं कंपैरेटिवली। कैंडोलियम थोड़ा क्राउडेड ज़्यादा है और बागा बीच भी काफ़ी क्राउडेड रहता है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं लोग वॉलीबॉल और अपने यहाँ गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। बेड्स वगैरह यहाँ मिल जाते हैं 100 रुपये पर घंटा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने सन है और सनसेट आज यहीं से देखेंगे और बीच भी काफ़ी साफ है, बीच का पानी काफ़ी साफ देखने को मिल रहा है बाकी और सब बीचेस से। अल्टीमेट गाइस, अल्टीमेट अमेजिंग। सो गाइस ये जो पीछे मेरे अरम्बोल बीच है और देख सकते हैं बड़ा साफ सुथरा पानी है और ज़्यादा गहरा भी नहीं है, तो यहाँ बच्चे बच्चे जो भी होते हैं नहा सकते हैं आराम से। और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, पीछे पूरा पानी है, ये देख सकते हो दूर दूर तक लोग नहा रहे हैं पीछे तक, तो वहाँ तक बहुत लोग जा रहे हैं, ज़्यादा गहरा नहीं है यहाँ पर, आगे तो हो गई होगा, बट बीच साइड काफ़ी बहुत लंबा बीच है और काफ़ी बड़ा भी है पीछे, तो वहाँ तक आप देखेंगे पूरा काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। और बल्कि आज वीकेंड भी है, तो वीकेंड पे भी इतना ज़्यादा नहीं है। अब कैंडोलियम वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ मिलेगी इस टाइम, तो कोविड का टाइम है तो हमें रिस्क नहीं लेना। थोड़ा थोड़ा जगह हम घूम के आए हैं, जहाँ जहाँ हम घूम के आए तो बता रहे हैं, तो यहाँ मेरे को बहुत सही लग रहा है माहौल और मौसम यहाँ पर बहुत बढ़िया हो गया इस टाइम। आप पीछे देख सकते हैं काले बादल हो गए पीछे ऊपर, ये देखिए पीछे बादल काले हैं और बढ़िया मौसम, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और मज़ा आ रहा है। गाइस अब हम नहा चुके हैं अच्छे से और आपको वीडियो भी मैंने दिखाई है, और वीडियो कैसी लगी है वो भी ज़रूर बताना है। बाल वाले यार सब गीले हो चुके हैं मेरे, और सनसेट का टाइम हो चुका है और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आप सारे बाहर होइए, तो अब बाहर आ चुके हैं हम और अब वक्त आ चुका है अपने रूम पर जाने का। और आज रात को ही हमें पैकिंग करनी है, कल शाम को हमारी फ़्लाइट है जो कि 7:30 बजे के आसपास है, तो हमें वापस विल बी बैक टू आवर होम। तो आज हमने खूब मज़े किए अरम्बोल बीच पे, और मेरा ओपिनियन यही है कि बढ़िया अगर बीच चाहिए तो इसका आइए, और अगर पार्टी करनी है तो आप जा सकते हैं बागा बीच बेस्ट है, और यहाँ पे आइए सुबह और शाम को, मस्त रहेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। Tomorrow.
सो हाँ जी गाइस, यहाँ हमारी गोवा ट्रिप ख़त्म होती है और मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे और आज फ्लाइट है तो निकल रहे हैं। काफ़ी फन किया हमने। और गाइस कुछ भी आपको पूछना हो गोवा से रिलेटेड तो हम काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियोज़ कैसी लगी ये ज़रूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।